नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बंगाल में चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सत्ता को पाने की होड़ तेज होती जा रही है, पर ममता दीदी की पार्टी चुनाव होने से पहले ही खस्ता हाल नजर आ रही है। एक के बाद एक झटके दीदी को लगते जा रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के नेता जितेंद्र तिवारी ने दीदी का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हो गए और दीदी को करारा झटका दे डाला। देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। आसनसोल के पूर्व मेयर और पंडेश्वर के टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी भाजपा में शामिल हो गए हैं। बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हुए। इससे पहले केएमसी के प्रशासक फिरहाद हकीम के साथ विवाद होने पर जितेंद्र तिवारी ने टीएमसी और आसनसोल निगम के प्रशासक के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। बाद में जितेंद्र तिवारी मान गए और पार्टी का दामन फिर से थाम लिया। लेकिन भाजपा में शामिल होने के बाद जितेंद्र तिवारी ने कहा, मैं भाजपा में शामिल हुआ हूं क्योंकि मैं राज्य के विकास के लिए काम करना चाहता हूं। तृणमूल कांग्रेस में रहते हुए काम करना संभव नहीं था। आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने जितेंद्र तिवारी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर आपत्ति जताई थी। बाबुल सुप्रियो की आपत्ति के बाद उस समय जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए। जितेंद्र तिवारी से पहले ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इन नेताओं में पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी, पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी, पूर्व विधायक वैशाली डालमिया समेत पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए, जो कि ममता बनर्जी के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। दीदी के कई नेता दीदी के काम करने के तरीके से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ना ही बेहतर समझा। दीदी की मनमानी का नतीजा पार्टी भुगत रही है और इस बार बंगाल से दीदी का दाना पानी उठना तय है। बीजेपी इस बार बंगाल की सत्ता पर काबिज होती दिख रही है, जो कि दीदी के लिए एक सदमे से कम नहीं होगा। ममता दीदी जितना बीजेपी से चार हाथ कर रही हैं, उतना ही उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी से जिस तरह नेता किनारा करते बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उससे ये साफ होता जा रहा है कि इस बार बंगाल में मोदी सरकार काबिज होने वाली है और ममता दीदी की कुर्सी जाती नजर आ रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।